गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। टोटल प्रॉपर्टी थी चार, उन चार में से अपन ने दो तो स्टडी कर ली थी। वो दो प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हिंदी में अगर मैं कहूं तो विद्युत आवेश की निश्चलता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स मोशन, वेदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। दैट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट does not depends on its motion, whether charge on the object does not depends on its motion, whether object is stationary और मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूरे सेंटेंस को यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट पे चार्ज जब ऑब्जेक्ट कैसे हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो उसको अपन लिखेंगे क्यू रेस्ट। ऑब्जेक्ट पे चार्ज जब ऑब्जेक्ट कैसा हो, किस कंडीशन में हो, मोशन में हो। आगे बात समझ में, कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज है वो चार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो चाहे ऑब्जेक्ट मोशन में हो। इनिशियल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट पे चार्ज होगा, मोशन में भी ऑब्जेक्ट पर वही चार्ज होगा। कहने का मतलब है चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन इज इक्वल टू चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट एट इन ए मोशन। यस सर, समझ आया कि नहीं आया, इतना बोलो। आगे देखो फिर। देखो यहाँ से चार्ज तो ऑब्जेक्ट के कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या मोशन में, तो फिर मास का क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है स्टेशनरी है तो क्या मास चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा देखना होगा, वो अपन स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी थर्ड एप्लीकेशन के अंदर ही, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर ही ये टॉपिक चल रहा है। इसके आगे देखो क्या टॉपिक देखना है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। यहां पर ये तो m है, ये तो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, मोशन में हो, ठीक है। m नोट क्या है,
मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हो, रेस्ट में हो। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कैसे चेंज होगा। 400 आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट चाहे स्टेशनरी हो चाहे मोशन में, इनिशियल कंडीशन में जो चार्ज होगा वही फाइनल कंडीशन में रहेगा। आगे बात समझ, मास देखो मास कैसे चेंज होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इसको आप इंक्रीज करके किसके इक्वल कर दो, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दो, किसके इक्वल कर दो, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सी के लिए वैल्यू कितनी होती है, सी के लिए वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके इक्वल कर दे। तो ये फॉर्मूला देखो कैसे चेंज होगा, v इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया c, यहां से फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू m नोड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस c स्क्वायर। v की जगह मैंने क्या कर दिया, c कर दिया, और ये c स्क्वायर। आधी बात समझ, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, कितना मिलेगा 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और 0 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा 0। तो यहां पे वैल्यू मिलेगी m इज इक्वल टू m नोड अपॉन 0। किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आता है, इनफिनिटी आता है, कितना आता है इनफिनिटी। तो यहां से इस रिलेशन से आपको क्या पता चला है, आपको ये पता चला है इफ इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट, इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द लाइट देन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी और इंक्रीजेस वेरी हाई। आगे बात समझ में, अगर आप लाइट की स्पीड के इक्वल ऑब्जेक्ट की स्पीड कर देते हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं आई। पहले तो आपने पढ़ा था चार्ज के बारे में, चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो, वेदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। फिर आपने देखा था अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, हाउ टू चेंज। तो मास देखो फॉर्मूला ये था, आपने क्या किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको किसके इक्वल किया है, लाइट की वेलोसिटी के साथ। अगर आप इसको इसके इक्वल करते हो तो ऑब्जेक्ट के मास है वो इंक्रीज होके कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हो तो उसका मास क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अभी बात समझ, फिर पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा था चार्ज के बारे में, अभी यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे कहूँ क्यू अपॉन एल, इसको बोलोगे आप स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। What is the definition of specific charge? It is the ratio of charge on the object and mass of the object. Q upon m का जो ratio है इसको आप क्या कहोगे? Specific charge. Yes or no? अभी क्या बात समझे? फिर से सुनो ध्यान से. Specific charge. It is the ratio of charge on the object and mass of the object. Q. और mass के लिए value कितनी थी बोलो? Mass के लिए value क्या है? M naught upon 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट। आगे बात समझ, फिर देखो अगर आप ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो किसके इक्वल कर दो, c के इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दो, तो क्या होगा देखो स्पेसिफिक चार्ज, q ऐसा कैसा रहेगा, m नॉट ऐसा कैसा रहेगा अपॉन अपॉन यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट। आगे बात समझो, यस और नो, समझ आया कि नहीं, बोलो यहां से क्यू, ये क्यू ऐसा कैसा, यहाँ पे बचेगा एम नोड और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0, एम नोड को 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा बोलो, यहाँ पे आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है, कितना आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। फिर इसको आगे सोल्व करोगे तब Q इन्फिनिटी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 0, 0 ऊपर जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी है 0।
कहने का मतलब है एट वेरी हाई वेलोसिटी, एट वेरी हाई वेलोसिटी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए जीरो। आगे बात समझे, यहाँ पे इन्फिनिटी को वन अपॉन जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि सर यहाँ पे वन अपॉन जीरो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, या एम नॉट अपॉन जीरो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप जीरो का डिवाइड करते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है। चाहे वन में जीरो का डिवाइड करो आंसर इन्फिनिटी आएगा, चाहे एम नॉट में आप जीरो का डिवाइड करो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। समझ आया कि नहीं है बोलो, यस और नो? समझ आ गया, ठीक है आगे देखो। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले चलो एक बार इसका फिर लास्ट टाइम फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेदर ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कंडीशन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, क्यू रेस्ट इज इक्वल टू क्यू मोशन। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, व्हेन velocity of the object is equal to speed of light, then mass of the object is very high. ठीक है, फिर next अपन ने पढ़ा था specific charge. It is the ratio of electric charge and mass. ठीक है, यहाँ पे ये value रखोगे तो at very high velocity specific charge is zero. समझ आ गया? Last and final property देखो, quantization of electric charge. आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ध्यान से लेना, मैं बोल रहा हूं साथ साथ वैसे ही लिख लेना आप लोग। व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड विद ईच अदर, देन वन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अदर ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। लिखो, देखो इधर लिख देता हूं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट रब विद ईच अदर देन one object is positively charged and other object is negatively charged due to ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो ऑब्जेक्ट को आप एक दूसरे से रगड़ते हो तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one object to another object. समझ आया कि नहीं है बोलो, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट है ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑन नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा उस पे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, और जो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा उस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है? दैट मींस चार्ज
ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट मीन्स चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो दो ऑब्जेक्ट को रब किया, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हुआ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फंडामेंटल वर्ड यूज हुआ ना, ये किसके लिए यूज हुआ? इलेक्ट्रॉन के लिए हुआ. किसके लिए हुआ? इलेक्ट्रॉन के लिए. तो क्या आप यहां से ये बोल सकते हो, दस इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूं, दस चार्ज ऑन दस चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ऑलवेज क्वांटाइज्ड और इज गिवन बाय, गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई. समझ आया कि नहीं? बोलो फिर से सुनो. व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज रब, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ क्या करते हो? रब कर दो विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ. देन वन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा. क्यों होगा? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने की वजह से. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जो ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिवली चार्ज होगा उसमें क्या होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, और फंडामेंटल यूनिट क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन. फंडामेंटल चार्ज क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और जो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी. और ये जो अपन बताएंगे वो इस फॉर्मूले से बताएंगे, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. इसको अब पूरे को आप डायग्राम से समझना. देखो देखो ये टू ऑब्जेक्ट लिए हमने, ठीक है, इनिशियली में ये न्यूट्रल है. क्या है? न्यूट्रल है. ठीक, इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है. सपोज मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अधिक हो गया. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये लो प्लस. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम, और वो होता नेगेटिव में. ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज होता वो होता है प्लस 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? माइनस. फिर एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर दिया तो प्लस 2e हो गया, यहाँ पे माइनस 2e हो गया. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर दिया तो 3e हो गया, माइनस 3e हो गया. समझ आया कि नहीं? बोलो. अगर मैंने यहां से n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? आपको होगा कि सर n इंटू ई. अब यहाँ से n इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे प्रोटॉन आ गए, कितने प्रोटॉन आ जाएंगे? बोलो p इंटू ई, p प्रोटॉन, e इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज n इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे चार्ज बनना इलेक्ट्रॉन. तो यहां से लिखोगे q इज इक्वल टू प्लस p इंटू ई, और यहां से लिखोगे q इज इक्वल टू माइनस n इंटू ई. दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखोगे q इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या लिखोगे बोलो? हाँ, चार्ज है ना ये, यहां पे लिखो p माइनस n इंटू ई. आगे बात समझ में? यस और नो? और ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे? q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई. ठीक है,
यार, तो चाहे प्रोटॉन के लिए लिख दो चाहे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेंगे अपन एन इंटू ई। अगर प्लस लोगे, अगर ये वाला फॉर्मूला लेते हो तो ये तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, अगर माइनस वाला फॉर्मूला लेते हो तो वो किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखोगे तो पी माइनस एन इंटू ई। फिर वही बात, अगर पी ग्रेटर देन एन हो तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, कैसे चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और अगर एन ग्रेटर देन पी हो तब बॉडी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। अभी क्या बात समझ में, यस और नो समझ आया कि नहीं आया? इसके बाद ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से ध्यान से देखना, देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे याद कर लेना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इन क्वांटाइज इन नेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिविटी इन नेचर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिस, चार्ज ऑन प्रोटॉन दिस। अगली बात समझे, अरे बात समझो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1.61 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.61 इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। थैंक यू।